गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू अजय क्लासेस। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। क्लास 12 का मैथमेटिक्स में हम लोग कम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आए हैं। इसमें हम लोग डिटेल में क्लास 12 का मैथमेटिक्स को हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को अलजेब्रा से और एंड कर देंगे लास्ट पे, जो हम लोग का चैप्टर जो सीक्वेंस है फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो, ठीक है। इसमें हम लोग जीरो लेवल से कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे और इसको आराम से धीरे धीरे समझते 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 और बहुत ही अच्छे लेवल तक हम लोग इसको अचीव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं, बताते हैं कि मैथमेटिक्स में हमको 12th क्लास में क्या क्या चीज कवर करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स को हम लोग चार मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। क्योंकि पहले सबसे पहले अगर सिलेबस को हमको समझ में आ जाए क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हमको पढ़ने में आसानी हो जाता है, ठीक है। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे बंदे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी बहुत सारा चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हमको पढ़ना क्या चीज है, ठीक है, कैसे चीज को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा कवर करने वाले हैं, ठीक है। अलजेब्रा के बाद हम लोग सेकंड मॉड्यूल में इंटर करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, काफी चीज इसमें कवर होता है। तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कैलकुलस। देन कैलकुलस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्लस 3D, लास्ट टॉपिक जो हम लोग का मॉड्यूल रहेगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स है उसको हम लोग चार मॉड्यूल में डिस्कस कर लिए हैं। जैसे मॉड्यूल वन में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको फर्दर दो टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में डिटरमिनेंट्स, ठीक है। देन अनदर टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम लोग अलजेब्रा के अंदर ही, उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैलकुलस में देखेंगे, फिर जब हम लोग कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मेरा एम है कि हम लोग अलजेब्रा में डिटरमिनेंट्स को स्टार्ट कर दे कैसे भी करके, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसको रब कर लेते हैं। आज हम लोग अलजेब्रा में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट काफी आसान टॉपिक है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप बोर्ड के अलावा कहीं भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा फर्दर, वहां भी यहां से भी क्वेश्चन, यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और काफी आसान टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस अब हम लोग का पेशेंसली टॉपिक को सुनना है और कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं, देन वो समझते हैं होता है क्या डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन की हम लोग बात करें, डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें डिटरमिनेंट्स का, द स्क्वायर एरे ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसमें जो आपको नोट डाउन करने वाला जो टॉप की पॉइंट है, इसमें आपको नोट डाउन क्या करना है, स्क्वायर एरे, ठीक है।
क्या ये एक स्क्वायर एरे है। एरे बोलने का मतलब एक तरह का स्क्वायर अरेंजमेंट है, स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? तो रियल नंबर का अरेंजमेंट है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है, या फंक्शन का अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट तो है किसका? रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, फंक्शन का, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में। कैसा अरेंजमेंट है? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए वर्टिकल कॉलम, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल रोज एंड व्हाट वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, इसको हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं। डेफिनेशन तो हम लोग लिख लिए, डेफिनेशन से जो चीज समझ में आया ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास रियल नंबर है 2 है, 4 है और एग्जांपल 6 है और 8 है। तो अगर 2 4 6 है तो हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि मेरा क्या है, स्क्वायर टाइप में दिखे, जो अरेंजमेंट दिखे कैसा दिखे, स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट दिखे। और हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट करें अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहां पर हम जो नंबर लिए हैं, रियल नंबर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे अरेंज किए? स्क्वायर फॉर्म अरेंजमेंट किए हुए। तो जो हॉरिजॉन्टल यहां पे जो लाइन होता है इसको हम लोग डिटरमिनेंट में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है इसको डिटरमिनेंट में क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस एग्जांपल में तो मेरे पास कितने रोज हैं? पहला रो तो ये हो गया, देन सेकंड रो ये हो गया, तो रो 1 हो गया ये, देन ये क्या हो गया? रो 2 हो गया। मेरे पास कितने हैं? 2 रो हैं। अगर इस अरेंजमेंट को डिटरमिनेंट होना है तो मेरे पास कॉलम भी कितने होने चाहिए? 2 कॉलम होना चाहिए, तभी तो मेरा स्क्वायर बनेगा। तो कॉलम नंबर ये 1 हो गया, दिस इज व्हाट, कॉलम नंबर 2 हो गया, ठीक है, कॉलम नंबर 2 हो गया। तो मेरे पास क्या है? 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो 2 रोज और 2 कॉलम में क्या नंबर को अरेंजमेंट कर दिए, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट्स कहेंगे, ठीक है। आगे की बात, तो डिटरमिनेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल क्या? ए बी सी डी इटीसी एंड सम ग्रीक सिंबल, जैसे डेल हो गया है ना, साई हो गया है ना, फाई हो गया, एटीसी, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट्स हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या, कैपिटल लेटर्स, जैसे कैपिटल अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी से हम लोग डिटरमिनेंट्स को शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिख सकते हैं हम लोग हैं डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू, जो हम लोग यहां पर लिख दिए नंबर 2 4 6 8, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा, डिटरमिनेंट्स को डिनोट कर दिए हम लोग ए से। जहां भी ए लिख के ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा है, डिटरमिनेंट्स के बारे में बात कर रहा है। या कुछ ग्रीक सिंबल होता है, जैसे डेल हो गया है ना, साई हो गया, फाई हो गया, इससे भी हम लोग डिटरमिनेंट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में जो ऑथर्स होते हैं अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। कोई बुक अगर उठा के देखिएगा वहां पर डेल का यूज किया हुआ है, कोई दूसरे बुक उठा के देखिएगा वहां पर फाई का यूज किया हुआ है ना। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग सिंबल से डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम एक मिनट हट जा रहे हैं, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं, होपफुली आप लोग यहां तक इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, डेफिनेशन समझ गए होंगे किसका, डिटरमिनेंट्स का। तो की पॉइंट मैंने क्या था डिटरमिनेंट्स में, डिटरमिनेंट्स में क्या है? स्क्वायर अरेंजमेंट है। किसका स्क्वायर अरेंजमेंट है? तो नंबर के भी स्क्वायर अरेंजमेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी स्क्वायर अरेंजमेंट हो सकता है, फंक्शन का भी क्या हो सकता है? स्क्वायर अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर अरेंजमेंट कैसे करना है हमको है? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रो कह रहे थे, और वर्टिकल लाइन, जिसको हम क्या करते हैं? कॉलम कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलम कर रहे थे।
एग्जाम्पल अगर हम बोले आपको, एग्जाम्पल बोले कि मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 है, 3 है, 4 है, 1 है. अगर इस एग्जाम्पल में हम लोग पूछे कि इस एग्जाम्पल में क्या चीज है, ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट दिख रहा है. किस चीज का स्क्वायर अरेंजमेंट दिख रहा है? तो ये रियल नंबर का हमको स्क्वायर अरेंजमेंट दिख रहा है. अगर इस एग्जाम्पल में हम आपसे पूछे कि इसमें कितने रोज हैं, तो रोज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आप जाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कीजिएगा. दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 1, दिस इज द सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग 2 बोल देंगे. दिस इज द सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 3 बोल देंगे. तो इसमें बस कितने रोज हो गए? जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स लिखा हुआ है उतने में बस क्या हो गए? रोज हो गए. तो इस एग्जाम्पल में बस नंबर ऑफ रोज कितने? अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज कोई पूछे आपसे, बताइए ये एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज कितने हैं, तो आप बोलिएगा भाई नंबर ऑफ रोज कितने हैं? हम गए क्या किए भाई, हमको नंबर ऑफ रोज निकालना था. जो दिया होता हम क्या करें? गए वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करने लगे. हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट किए तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया. फिर हम लोग नीचे गए, देखिए कि अदर हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको भी काउंट कर लिया, हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया, लाइन मिल गया. फिर हम लोग नीचे गए, तीसरे हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लिया, हमको तीन हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया. तो हम लोग बोलेंगे, कोई हमसे पूछेगा बताओ इस एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है. फिर हमसे कोई अगला पर्सन आया, बोला बताओ भाई तुम एडवांस पढ़ लिए हो, डेफिनेशन जानते हो, यहाँ जानते हैं, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है? नंबर ऑफ कॉलम हम डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो भी वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं. तो हम लोग एग्जाम्पल में गए और क्या कहें, वर्टिकल लाइन को काउंट करना स्टार्ट कर दिए. तो ये मेरा पहला वर्टिकल लाइन था, फिर दूसरा वर्टिकल लाइन था, ये तीसरा वर्टिकल लाइन था. इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, कॉलम को सी सी नोट करते हैं, इसको बोलते हैं सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है. ठीक है, अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस एबव एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हम बोले नंबर ऑफ कॉलम आप हमसे पूछ रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको जाना है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आप हमको दिए हैं, वहां जाके वर्टिकल लाइन को काउंट कर देना है. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है नंबर ऑफ कॉलम. कॉलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से. तो रो को डिनोट करने के लिए हम लोग आर सिंबल यूज कर लेंगे. ये आर वन था, ये आर टू था, ये क्या था? आर थ्री था. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आगे हम लोग फर्दर बात करते हैं, थोड़ा इसको रब कर ले. जो भी एलिमेंट्स है डिटरमाइंस के अंदर, तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक डिटरमाइंट्स को दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है. ठीक है, डिटरमाइंट दिया हुआ है. ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, इसके बारे में बताएंगे आपको हम बाद में. नंबर का अरेंजमेंट दिया हुआ है इस फॉर्म में, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो डिटरमाइंट्स होता है उसको तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. अदर जो डेफिनेशन बात समझना हमको है, जो एलिमेंट होता है डिटरमाइंट्स के अंदर का, सही एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, तो डिटरमाइंट्स के अंदर का जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल अल्फाबेट का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट का यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर का. यहां पर लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स denoted by small letters. ठीक है, क्या हो जाएगा? A से डिनोट कर सकते हैं, B से, C से, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, A से, B से, C से, किसी से भी आप एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, डिटरमिनेंट का अगर एलिमेंट को डिनोट करना है तो आप ए बी सी ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, आगे हम लोग फर्दर समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट को समझते हैं. ठीक है, एक यहां पर आपको बताते हैं डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा देखने में गुड लुकिंग के लिए हम लोग क्या पहले आते हैं, स्टेप से हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं. ये मॉडुलस नहीं है. ठीक है, मॉडुलस का भी सिंबल इसी टाइप से होता है, लेकिन ये डिटरमिनेंट का सिंबल, ये मॉडुलस नहीं है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर मॉड है ये हमको देगा क्या? प्लस ही 2 दे देगा. अगर मॉड के अंदर हम लोग माइनस 2 डाल देंगे तभी हमको देगा ये प्लस 2 देगा. ये किसका बात था? ये मॉडुलस का बात है.
मॉड फंक्शन के बारे में बात है, ठीक है, तभी इसके बारे में नोटिस करेंगे। लेकिन जब हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे तो दो लिखा रहेगा डिटरमिनेंट में, तब भी हमको क्या देगा, दो देगा। अब माइनस टू लिखा रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस टू ही मिलने वाला है। तो ये सैंपल लगाने से हमको साइन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो मॉडुलस में होता था, ये इससे अवेयर हम लोग है ना। ऐसा जो हम लोग को करना है, ऐसा गलत काम नहीं करना है, इसमें डिटरमिनेंट का गलत काम नहीं करना है, ठीक है। ये तो आप लोग का नोट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिए हम लोग, ठीक है, इसको रख कर ले। तो जो एलिमेंट था डिटरमिनेंट को, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट यूज करने वाले हैं। एस फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस टाइप से हम लोग अल्फाबेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक है, जो हम लोग का अगला जो टॉपिक है, हेडिंग है, नोट डाउन कीजिए कॉपी में, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो जो हम लोग पहले यहां पर लिखते हैं कि हम लोग डिटरमिनेंट डेल दिया हुआ है, डेल इज इक्वल टू ए आई जी, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें हम लोग हर एक चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको डिनोट करता है, डिटरमिनेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीक लेटर है, ग्रीक सिंबल है ये, देन तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। जब भी डिटरमिनेंट्स को दिखाना हो तो हम लोग क्या करें, सिंबल यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या हम लोग यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर ए, कुछ भी नोट कर सकते हैं। जब भी ऐसा लिखा हुआ है, दैट मींस ही डिनोट कर रहा है डिटरमिनेंट्स के बारे में, ठीक है। जो ये ए आई जे होल है, ये ए आई जे होल है, ये बताता है हमको एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के बारे में बताता है। इसमें भी जो आई है, आई जो लिखा हुआ है, जो आई लिखा हुआ है यहां पर हम अलग से लिखते हैं, जो ए आई जे है जिसमें सिंबल जो आई है, ये बताता है टेल अबाउट द रो, ये रो के बारे में हमको बताता है। जो जे सिंबल है, ये हमको बताता है टेल About the column, ये column के बारे में बताता है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग represent, जो representation, symbolic representation देख रहे हैं determinants का, तो ये हमको क्या करता है, determinants को denote करने का तरीका है, ठीक है। डेल से denote कर सकते हैं, ये से denote कर सकते हैं। जो अंदर bracket के अंदर लिखा हुआ है ai से, ये elements of determinants को बता रहा है, determinants के अंदर के element के बारे में हमको जानकारी दे रहा है। उसमें भी स्पेशली अगर हम लोग आई की बात करें, तो आई जो हमको बताता है किसके बारे में बताता है, ये नंबर ऑफ रोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। जो जे है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देगा, ये कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो हम लोग की, ये जो हमने ब्रैकेट देखे जो ऐसे लगाए थे, ये क्या चीज है, रिप्रेजेंटेशन, डिटरमिनेंट्स अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, नोट डाउन कर लिए, यहां तक आप लोगों का नोट डाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग बात करें इसके लिए, बात करें फॉर गुड लुकिंग के लिए, फॉर गुड लुकिंग के लिए देखे थे कि हम लोग जो लगाते हैं सिंबल इस टाइप से, जो मॉड टाइप यूज करते हैं उस टाइप का सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं कि डिटरमाइंस में क्या देखे अच्छा दिखे। हम लोग नंबर को अगर इसके अलावा भी लिखेगा तब भी डिटरमाइंस कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं एक ब्रैकेट लगाते हैं स्टेप से हम लोग, ठीक है। तो फॉर गुड लुकिंग के लिए इस ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैपिटल लेटर किस लिए यूज कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स या ग्रीक लेटर्स यूज करने वाले थे, हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये ए क्या होता था, हमको एलिमेंट का डॉक्यूमेंट बताता है। अगर ये आईजे की तरह होल की हम लोग बात करें, टोटल आईजे की हम लोग बात करें, क्योंकि ये आईजे की हम लोग बात करें, तो ये बताता है पोजिशन ऑफ एलिमेंट, पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के पोजीशन के बारे में हमको जो जानकारी देगा वो क्या देगा, आईजे देगा। और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जो भी सारा चीज लिखे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग एग्जाम्पल से हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किताब में तो लिखा हुआ बहुत सारा चीज है लेकिन समझ में हमको आता नहीं है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको रद्द करते हैं और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, डिटरमाइंट ए दिया हुआ है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू इज इक्वल टू, यहां पर मान लो एक्स दिया हुआ थ्री फोर सिक्स और ए, इस टाइप से हमको मालूम है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो हम लोग पढ़े हुए भी है, तो ये तो हमको रिप्रेजेंट करना डिटरमाइंट को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये ब्रैकेट लगा है फॉर गुड लुकिंग की लगा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम लोग बताते हैं एलिमेंट्स था डिटरमाइंट का, जैसे ए वन वन की हम लोग बात करेंगे तो एलिमेंट्स हमको दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर हम लोग बताते हैं कि जो ये वन लिखा हुआ है इसको कैसे लिखा हुआ है, ए ऑफ आई जे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां से हम लोग इसको डिक्यूट करने की कोशिश करें, ए आई जे इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए वन वन करने की कोशिश करें, तो यहां से अगर डिक्यूट करेंगे तो आई का वैल्यू क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, और जे का वैल्यू क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, ठीक है। आई वन बोलने का मतलब हुआ ये जो एलिमेंट है कहाँ का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है। क्योंकि आपको बताया थे कि रो को हम लोग जब भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में रो की बात करते हैं, तो ये आई जे लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ रो, रो के बारे में बोल रहा है, टेल्स अबाउट दी रो। जे क्या होता है, टेल्स अबाउट दी कॉलम के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स अगर आई का वैल्यू वन है, दैट मीन्स ये हमको रो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो रो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमको ये दे रहा है कि जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का एलिमेंट है। अगर जे का वैल्यू भी वन दिया हुआ है, ये आपको कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमको कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कॉलम के बारे में क्या बता रहा है, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। किसका है एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। आप हमको बताइए अगर ए वन वन लिखा हुआ है, इससे हम लोग आज के बाद क्या समझेंगे, अगर ए वन वन कहीं पर लिखा हुआ है तो आज के बाद हम लोग क्या समझेंगे, ए वन वन बोलने का मतलब हुआ कि ए वन वन वैसा पोजीशन पे एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला एलिमेंट तो यही है, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है क्या है, थ्री है। तो हम लोग बोल देंगे कि ए वन वन का वैल्यू है किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। कल जाकर हमको बोले बताइए आप ए टू टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल से बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ए टू टू। तो ए टू टू हमको एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है, और ये जो लिखा हुआ टू टू ये किसके बारे में बता रहा है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स कहां पे, डिटरमिनेंट्स में, डिटरमिनेंट्स में पोजीशन कहां पे है एलिमेंट्स का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ए टू टू हम लोग बोले थे कि जो ए टू टू लिखा हुआ कैसे लिखा रहेगा, ए आई जे के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई बता रहा है कि टू है, व्हाट द वैल्यू ऑफ आई, आई के वैल्यू यहां पर टू है, दैट मीन्स ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। इसको हमको जब भी ए टू टू एलिमेंट को ढूंढना है तो हम लोग डिटरमिनेंट को कहां पे चल जाएंगे, तुरंत हम लोग स्विच कर जाएंगे सेकंड रो में, क्योंकि ए टू टू हमको क्या बता रहा है कि ये सेकंड रो का एलिमेंट है। तो हम लोग तुरंत चल जाएंगे कहां पे, फौरन चल जाएंगे सेकंड रो में। फिर जे का वैल्यू यहां पर टू है, दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। किसका है,
सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। तो जब भी हमको बात करे कि बताइए भाई ये ए टू टू एलिमेंट कहां पे है डिटरमिनेंट्स के अंदर, तो हम जब भी हमसे कोई पूछेगा आप डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन भी पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिए, अब आप हमको बताइए कि ए टू टू एलिमेंट है डिटरमिनेंट के अंदर कहां पे है। जैसे ही कोई बोला ए टू टू डिटरमिनेंट, हमारे दिमाग के अंदर जाना चाहिए कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का बात कर रहा है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट रो था, सेकंड रो में हम लोग यहाँ पहुंच गए, सेकंड कॉलम में कहां पहुंच गया, फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम में यहाँ पहुंच गए, तो हमको मिला एलिमेंट ए टू टू। अच्छा इस एग्जांपल में ए टू टू कहां पे मिलेगा, हमको सेकंड रो में जाना है, दिस द फर्स्ट रो आर वन, हमको यहां नहीं आना है, हमको सेकंड रो में जाना है, दिस द सेकंड रो, सेकंड रो में पहुंच गए। सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, सिक्स भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ रो के बारे में इंफॉर्मेशन देने से हमको एलिमेंट का पोजिशन नहीं मालूम चल रहा है कहां पे है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो बोलेगा नहीं, कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं कि जे का वैल्यू कितना है, टू है, दैट मीन आपको कॉलम में भी जाना है, कहां पे, सेकंड कॉलम में जाना है। तो हम लोग चले गए दिस द फर्स्ट कॉलम, यहां पर नहीं जाना है, हम लोग सेकंड कॉलम में जाना है, दिस द सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम और सेकंड रो में हमको एक ही एलिमेंट मिल रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये ए टू टू एलिमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक आप इसको डिनोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो हमको वो एग्जांपल दिया हुआ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू थ्री दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, नाइन दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, फोर्टीन दिया हुआ है, सिक्सटीन दिया हुआ है, ट्वेंटी दिया हुआ है, एज फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट्स जैसे ही एग्जांपल दिया हुआ आपसे हम पूछेंगे, सबसे पहले बताइए इस डिटरमिनेंट के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करना है। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट बताएंगे, देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पहला आपको मिल गया, ये दिस द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वन, फिर आप गए नीचे देखेंगे सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमको ये मिल गया, फिर आप नीचे गए ये देखिए थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया तीन। तो आपसे कोई पूछे बताइए इस डिटरमिनेंट को देख के बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आप बोलिएगा देखिए नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसी को हम लोग नंबर ऑफ रोज कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बोलिए इसमें नंबर ऑफ जो रोज है, नंबर ऑफ जो रोज है कितने हैं, थ्री है, हमने ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। आप बोलिए बताइए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कोई आपसे पूछा बताइए आप डिटरमिनेंट पढ़े हुए हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए है, अब हमको बताइए कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप नंबर ऑफ कॉलम जैसे ही बोलेगा आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, हमको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, हमको क्या करना है, वर्टिकल लाइन को काउंट करना स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग गए वर्टिकल लाइन को काउंट करना स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग कॉलम सी वन कर देते हैं, दिस इज द सेकंड वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग सी टू कर देते हैं, दिस इज द थर्ड वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग क्या करते हैं सी थ्री कर देते हैं। तो हम बोलेंगे भैया इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है कितने नंबर ऑफ कॉलम है, थ्री नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ जो कॉलम है ये भी थ्री है। अच्छा बोला कि बताइए ये डिटरमिनेंट्स है या नहीं है, बोलेगा हाँ बिल्कुल डिटरमिनेंट्स है, क्यों डिटरमिनेंट्स है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम भी थ्री है, नंबर ऑफ रोज भी थ्री है, दैट मीन्स ये क्या है एक स्क्वायर फॉर्म में हमको फॉर्मेशन दिख रहा है, दैट मीन्स बोलेंगे हाँ ये डिटरमिनेंट्स है, बोलेंगे डिटरमिनेंट्स है, क्यों डिटरमिनेंट्स है, ये डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स को क्या कर रहा है फुलफिल कर दे रहा है, कैसे डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते थे डिटरमिनेंट्स कहते थे। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां से कंक्लूजन जो निकला, अगर कंक्लूजन की हम लोग बात करें, कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, जब भी कोई डिटरमिनेंट होगा तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना पड़ेगा। जब भी किसी भी एलिमेंट को डिटरमिनेंट्स कहलाना है तो क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना ही पड़ेगा, तभी उस एलिमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या रहता, थ्री रहता और नंबर ऑफ कॉलम दो ही रहता, तो ये बोलते इसको ये डिटरमिनेंट्स नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा चीज होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये डिटरमिनेंट्स तो नहीं है। एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि बताइए टू फोर सिक्स और
नंबर ऑफ कितने कॉलम कितने, 2, 4, 8, बताइए ये डिटरमिनेंट्स है। हम आपसे पूछेंगे ये एग्जांपल देखे, बताओ आप डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए हो, बताओ ये डिटरमिनेंट्स है, तो आप पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास R1 ये है, ये R2 है, फिर आप चेक कीजिएगा नंबर ऑफ कॉलम कितना है। नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3 है। आप बोलिएगा भैया इसमें तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ये तो मेरा डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये डिटरमिनेंट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है डिटरमिनेंट्स का उसको ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा डिटरमिनेंट्स नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं अगर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया कि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये डिटरमिनेंट्स है कि नहीं है, आप डिटरमिनेंट्स पढ़े हुए हैं भाई, तो आप बताइए ये डिटरमिनेंट्स है कि नहीं है। आप देखिएगा ये तो अरेंजमेंट दिख रहा है, आपको किसका अरेंजमेंट दिख रहा है, नंबर का अरेंजमेंट दिख रहा है, बोल दो डिटरमिनेंट्स है, वैसा बोलना नहीं है आपको, नंबर का अरेंजमेंट दिखने के साथ साथ उसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको भी फुलफिल करना है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको कंक्लूजन क्या निकला कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर भी होना है, चूंकि स्क्वायर अरेंजमेंट था तो नंबर स्क्वायर अरेंजमेंट होने के लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी उसको हम डिटरमिनेंट बोल देंगे। आग बनकर कोई भी चीज का जवाब नहीं देना है, पहले कोई जो क्वेश्चन करे उसको समझना है क्या करना चाह रहा है बंदा, कहीं फसा तो नहीं रहा है हमको। ठीक है, कंक्लूजन ये सब हम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि अब बताइए कि इसमें आप बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप बोलिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने काउंट कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हम कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट। हम आपसे पूछे बताइए कि इसमें जो एलिमेंट है ए 2, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ 2, 3। आपको क्या करना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है मतलब ये एलिमेंट को बता रहा है, 2 किसको बता रहा है रो को बता रहा है, 3 किसको बता रहा है कॉलम को बता दे रहा है। आपको कुछ दिमाग में लगाना है, आपको क्या करना है सेकेंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है, जो एलिमेंट मिले उसको पकड़ के ले आना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सेकेंड रो में जाने की कोशिश करेंगे, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, सेकेंड रो में पहुंचे तो मेरा मेन एम था ये रो, इस रो में हम लोग पहुंचे बहुत अच्छी बात है। ये रो को हम लोग क्या करिए ब्रैकेट में बंद कर लिए, मेरा जो मेन मोटो है इसी रो में से एलिमेंट को पकड़ के लाना है। ठीक है, फिर हम लोग कॉलम में जाएंगे, कौन सा कॉलम में जाना है थर्ड कॉलम में जाना है, दिस द फर्स्ट कॉलम, दिस द सेकंड कॉलम, इस कॉलम में नहीं थर्ड कॉलम ये है, ये थर्ड कॉलम में हम लोग चलेंगे। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन में हमको जो एलिमेंट मिल रहा है उसी एलिमेंट को हम लोग बोल देंगे क्या एलिमेंट, ए 2, 3 एलिमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए 2, 3 एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ द ए 2, 3 एलिमेंट इज व्हाट 10, यहां से मिल गया, क्या मिल गया 10 मिल गया। कहीं जाकर आपको बोले बताइए ए 2, 1 एलिमेंट कौन सा है, अब चलो कुछ दे बताइए इस एग्जाम्पल में देखिए बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ व्हाट ए 2, 1, ए 2, 1 एलिमेंट का वैल्यू कितना है, क्या करना है आपको सेकंड कूद के कहां जाना सेकंड रो में, कूद के अंदर चले गए सेकंड रो में रहती है बना हुआ था फटाफट कॉलम, हमें जाना फर्स्ट कॉलम में जाना है, फर्स्ट कॉलम कौन सा मेरा है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के इंटरसेक्शन में जो हमको एलिमेंट मिल रहा है उसी को हम लोग ए 2, 1 एलिमेंट बोल देंगे। ये ए 2 एलिमेंट कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, आती बात समझ में, यहां तक कोई कंफ्यूजन, अरे बोलो बाबा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग आगे आप देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हम एक मिनट आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके, होपफुली आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर हम लोग डिटरमिनेंट्स को लिखना है, अगर हम लोग सपोज डिटरमिनेंट्स ए दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है, और बोलेंगे कि वर्ड आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 2 और जे का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 और 2, आपको बोलेगा इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट को आप हमको लिख के बताइए क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपने कह रहे हैं डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, यहां स्टार्ट करेंगे 1, 1 से स्टार्ट कर देना है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर हम लोग कितना जाना है आगे बढ़ना है, ए ऑफ वन ऑफ टू चल जाना है, जितना नंबर ऑफ रो दिया जितना नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है वहां पर जाना है। ये पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। फिर हम लोग क्या करना है यहां से ए ऑफ टू ऑफ वन, मतलब ये क्या हुआ सेकंड रो का एलिमेंट हो गया लेकिन फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया ए ऑफ टू ऑफ टू, दैट मीन्स ये क्या हो गया सेकंड रो का एलिमेंट हो गया सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, अब क्या करना है जैसे ही आपको फर्स्ट रो में आना है इसको यहां से कंफ्यूजन क्या निकल रहा है आपको कैसे लिखना है कुछ नहीं करना, ए लिखना है आई लिखना है जे लिखना है। ठीक है, अब यहां पर पुट करना है, आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या वन, जे का वैल्यू भी हम क्या पुट कर सकते हैं वन, एलिमेंट क्या बन गया ए ऑफ वन वन, ए ऑफ वन वन एलिमेंट किया। आगे मूव किया हम लोग किसमें मूव कर रहे हैं, आगे मूव किए, अभी मेरा कौन सा रो है रो तो अभी आई फिक्स हो गया, रो मेरा कौन सा हो गया वन ही रो हो गया, फर्स्ट ही रो चल रहा आई तो फिक्स हो गया वन, कॉलम हम लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं तो सेकंड कॉलम तक जा सकते हैं जहां पर टू पुट करते हैं, तो जो एलिमेंट बन गया आई वन टू, आई वन टू एलिमेंट बन गया। तो ये मेरा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, मेरे पास कितने रो थे पहला रो का काम खत्म हो गया, अब हम लोग सेकंड रो में जाएंगे, ये हो गया सेकंड रो, तो ये जो नंबर आई था क्या बताता था कॉलम रो बताता था, तो रो का वैल्यू यहाँ कौन सा रो में पहुंच गया हम लोग सेकंड रो में पहुंच गए सेकंड पुट कर देंगे। अभी हम लोग कौन से कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में है तो जे का वैल्यू कितना पुट करेंगे वन पुट कर देंगे, आगे इसे बढ़े हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे टू, कौन सा रो में है सेकंड रो में है, कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे यहाँ पर टू पुट कर देंगे। इसी तरह से हम लोग सारे एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क की चीज है कि आप लोग थ्री बाई थ्री का जो भी डिटरमाइंस रहेगा उसको आप लोगों को ऐसे ही लिख कर दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को लिख कर दिखाना है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फर्दर लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमाइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर है इसको हम यहीं तक मेंटअप करते हैं, जो अदर लेक्चर रहेगा वहां हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमाइंस स्टार्ट करेंगे और कुछ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक जो आपको बात समझ में आया जो हम पढ़ाए, अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है बात, अगर लगता है कि नीडी है, चैनल क्या करेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो क्या करेंगे लाइक करेंगे वीडियो को। ठीक है, ताकि क्या करेंगे इसके वजह इसको होने की वजह से क्या होगा कि नोटिफिकेशन जो भी हम लेक्चर यहाँ अपलोड करेंगे अपलोड करेंगे तो आपको क्या करें नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भर भर के शेयर कीजिए, अगर जो बंदे जरूरतमंद बंदे हैं समझ में आ रहा है तो दोस्तों में क्या कीजिए भर भर के शेयर कीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।